नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। साल भर के मेडिकल क्राइसिस झेलने के बाद, उस पेंडेमिक को देखने के बाद और उसके खिलाफ जंग लड़ने के बाद जब वैक्सीनेशन आई तो आम लोगों के बीच एक राहत का माहौल बना। आम लोगों ने एक राहत की सांस ली और उम्मीद जगी कि अब इस महामारी से, इस कोरोना से छुटकारा मिल पाएगा। लेकिन कोरोना के नए स्ट्रेन ने पूरी दुनिया के साथ साथ भारत को भी थोड़ी हैरानी में ज़रूर डाल दिया है। एक बार फिर से मामले बड़ी ही तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पूरे देश में कई राज्यों में कोरोना का नया स्ट्रेन नई मुसीबतें बढ़ा रहा है। राजधानी दिल्ली में भी कुछ इसी तरह की स्थिति है। दरअसल पिछले 5 दिनों की बात करें तो मामले इतने तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं जो कि दिल्ली सरकार, आम लोगों की और प्रशासन सभी की मुश्किलें बहुत तेज़ी के साथ बढ़ाता दिख रहा है। इस वक्त हम पहुंचे हैं राजधानी दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में। आम तौर पर जो फिलहाल परेशानी सरकार की है, प्रशासन की है, उसके बीच एक बड़ी समस्या जन भागीदारी को लेकर है, जन जागरूकता की है। क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बताया था कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव जो चलाया जा रहा है वो जितना इम्पोर्टेंट है, वो जितना महत्वपूर्ण है, उससे उतना ही कहीं ज़्यादा जन भागीदारी इस महामारी से निपटने के लिए ज़रूरी है। आमतौर पर मास्क, सैनिटाइजेशन, 2 गज की दूरी, ये तमाम वो गाइडलाइंस, ये तमाम वो एहतियात सरकार की तरफ से लगातार सुझाए जा रहे हैं जिसको ध्यान में रखते हुए कोरोना को फैलने से रोका जा सकता है। लेकिन क्या आम लोग इसके प्रति गंभीर हैं, यही आज हम देखने के लिए सरोजनी मार्केट पहुँचे हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या वो सक्रियता, वो जनभागीदारी आम लोगों के बीच दिखाई देती है। तो चलिए चलते हैं। दिल्ली में जो आंकड़े सामने आए हैं बीते 5 दिनों की अगर बात करें तो उन आंकड़ों ने सबको चौंका दिया है और एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग, सरकार, प्रशासन अलर्ट है। नाइट कर्फ्यू दिल्ली में फिर से इम्पोज कर दिया गया है। आपको बता दें कि रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक दिल्ली में नाइट कर्फ्यू इम्पोज रहेगा। और यहाँ पर हम सरोजनी नगर मार्केट में इस वक्त मौजूद हैं, देखेंगे कि क्या वो सजगता, वो जन जागरूकता लोगों के बीच है, लोग समझ पा रहे हैं कोरोना के नए स्ट्रेन की गंभीरता को, क्या मास्क लगाकर घूम रहे हैं। भाई साहब एक सेकेंड, मास्क आपने नहीं लगाया हुआ था, क्यों? लगा तो रखा है। ये तो आपने अभी लगाया ना, क्या कोरोना को लेकर गंभीर नहीं है? इतनी लापरवाही क्यों? कुछ नहीं होता भाई साहब, दम घुटता है इसमें, इसलिए दम घुटता है। लेकिन कोरोना जो है डेडली एक वायरस है, बीमारी है, ऐसे में अगर इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपके साथ साथ आपके रिलेटिव्स, आपके परिजन या आम लोग जहाँ जहाँ आप घूम रहे हैं उनके लिए भी है और आपके खुद के लिए जानलेवा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। क्यों नहीं लगाया फिर, क्या सोच लगा? लगा रखा है मास्क, मैंने दुकान पर रख रखा है इसीलिए। चलिए तो देखिए, यहाँ पर बहाने कुछ हैं लोगों के पास ज़रूर। कोरोना का जो नया म्यूटेंट वर्जन है उससे कहीं ना कहीं गंभीर स्थिति बन रही है। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री भी अरविंद केजरीवाल आपात बैठक भी कर चुके हैं। उन्होंने ये कहा था कि अभी लॉकडाउन का, दिल्ली में लॉकडाउन का किसी तरह का कोई विचार नहीं है, लेकिन आने वाले समय में स्थिति की गंभीरता को देखते हुए फैसले लिए जाएंगे, सख्ती जो है बढ़ाई जाएगी। आपने थोड़ा मास्क अभी नीचे किया हुआ था? हाँ जी, आपने मास्क थोड़ा नीचे किया हुआ था? ये बोलते रहते हैं ना सर, शौक से दुकान है तो कभी गर्मी लग जाती है, नीचे कर लेते हैं ऊपर। लेकिन उससे लगता नहीं कि जो गाइडलाइन सरकार बता रही है कोरोना फैलने का जो खतरा है उसमें थोड़ी लापरवाही आप बरत रहे हैं? सर लापरवाही नहीं कर रहे हैं सर, मतलब शौक की दुकान है, बोलना पड़ता है ज़्यादा, वहाँ जम जाते हैं इसीलिए नीचे कर लेना पड़ता है, फिर ऊपर करते हैं, ये बोलते बोलते नीचे आ जाता है खुद सर। और आगे चलेंगे और देखते हैं यहाँ पर क्या स्थिति है इस मार्केट में, क्योंकि देखिए अमूमन जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है, दोपहर का ये वक्त है, उसके बावजूद यहाँ पर इतनी भीड़ इस वक्त मौजूद है। आपसे भैया बात करना चाहेंगे, एक मिनट। ये मास्क आपने ऐसे लगाया हुआ है क्यों? सॉरी भाई साहब, सॉरी लगाया। ये गंभीरता, आप इस तरह की लापरवाही कर रहे हैं, आपके लिए, आपके परिजनों के लिए, आप जिनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं उन सब के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। जी हाँ सर, इस वक्त वैक्सीन आने के बाद लोगों के बीच हालांकि थोड़ी सी लापरवाही इस बात को लेकर भी हुई है कि वैक्सीन के बाद अब लोगों को राहत मिल जाएगी। लोग ये समझ रहे हैं कि वैक्सीन के बाद कहीं ना कहीं अब कोविड से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि कोविड का जो नया स्ट्रेन है वो कहीं ना कहीं
वैज्ञानिकों के लिए भी एक चुनौती बना हुआ है। जो नया म्यूटेंट वर्जन है या कोरोना जो वायरस है वो अपने आप को लगातार विकसित करता रहता है, अपना रूप अपना स्वरूप जो है वो बदलता रहता है, और इसके लिए एक डेवलप्ड वैक्सीन की हर वक्त ज़रूरत होगी। कोरोना के हर बदलते स्वरूप के लिए कोरोना के एक नई डेवलप्ड वैक्सीन वर्जन की ज़रूरत होगी। भाई साहब मास्क आपने नहीं लगाया क्यों? सर अब लगा रहा हूँ मास्क। अभी लगा रहे हैं? हाँ। अभी तक क्यों नहीं लगाया था? ऐसी ही बात कर रहे थे। बात कर रहे थे कोरोना के भी, कोरोना जानते हैं क्या है? हाँ। क्या है? कोरोना कोरोना ही है, बीमारी है। आपको पता है कितनी तेजी के साथ अभी 5 दिनों में दिल्ली में मामले बढ़े हैं? हाँ। तो फिर क्यों इतनी लापरवाही बरत? अब लगा लिया। अब लगा लिया है? अच्छा, तो अब हम चले जाएंगे उसके बाद फिर ये मास्क उतार देंगे? इलेक्शन में भी लगा रहे ना? इलेक्शन में भी नहीं? तो ये आपके पास एक तर्क है या यूँ कहें कि कोई तर्क है कि इलेक्शन में नहीं लगा रहे तो हम भी नहीं लगाएंगे? ये सरकार से सवाल आप पूछ रहे हैं? हाँ। सरकार से आप सवाल पूछ रहे हैं, आपकी आपका लोकतांत्रिक अधिकार ज़रूर है, लेकिन सरकार से सवाल पूछने से पहले आपकी खुद की जान जो है, आपकी खुद का स्वास्थ्य जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो है, मैंने अपनी कैपेसिटी बहुत तगड़ी बना चुका हूँ। आप कैपेसिटी बहुत तगड़ी बना चुके हैं। नो 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 नो। आज से दिल्ली में नाइट कर्फ्यू, आपको पता है?